आशंकाएं नहीं रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। आज जेपीएससी में 250 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया रिकॉर्ड समय से पहले, और तो और उसमें जानकर आपको आश्चर्य होगा उसमें 33 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार के थे। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जलसहिया पता नहीं इसी तरीके के बच्चों के परिवार से बच्चे आज कोई बीडीओ बना है, कोई सीओ बना है, कोई कलेक्टर बना। ऐसी बातें सुनकर ऐसा लगता है कि अब लगता है कि झारखंड में हमारे बच्चों को असल हक मिल रहा है। ये सरकार सबकी सुनेगी सबकी करेगी। धरना देने की जरूरत नहीं है, दरवाजा हमारा सभी के लिए खुला है। और आज संवेदनाएं सिर्फ सरकार में नहीं, आज संवेदनाएं इस राज्य के हर व्यक्ति का है। यहां के लोग ही इतने संवेदनशील हैं कि आप परिणाम के तौर पर अभी एक नौजवान को हम लोगों ने सम्मानित किया। लेकिन आप सब लोगों को मैं बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं जब तक हूं और जितनी मजबूती के साथ मैं हूं आप लोगों के लिए और इस राज्य के हर वर्ग के लिए, आप लोग कर्मचारी हैं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, सभी वर्गों के प्रति हमारी नजरें हैं, संवेदनाएं। कभी आप लोगों ने सोचा यहां का आदिवासी दलित पिछड़ा लड़का सरकार के स्कॉलरशिप पर विदेश पढ़ने जाएगा? कौन इनको हायर एजुकेशन के लिए विदेश और करोड़ों रुपए खर्च करेगा? और किसके पास, झारखंडियों के पास क्षमता है कि हम अपना बेटा को इतना पैसा देकर के बाहर पढ़ा पाए? अगर इतना ही पैसा होता तो आज पुराना पेंशन की मांग कभी नहीं होती। आज देखिए स्कूल तो स्कूल, हायर एजुकेशन के लिए भी हम बेहतर शिक्षा के लिए देश विदेशों में यहां के आदिवासियों को, यहां के दलितों को, यहां के पिछड़ों को, और इस बात को लेकर सिर्फ यही नहीं विदेशों में भी लोगों ने सराहा है। और हमारे इस कार्य योजना का सराहना इस तरीके से किया कि विदेशों की सरकार ने भी बोला कि झारखंड के नौजवान जो भेजे जा रहे हैं उनमें से कुछ बच्चों को उनकी जो 50% का खर्चा है अब वो विदेश खुद खर्च उठाएंगे। बहुत आभार विवेकानंद बास्की जी का। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।